हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे स्मार्ट वीज चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपके लिए फिर से एक नया प्रोडक्ट लाया है, मीवी का कॉलर नेक बैंड है ये। मैं पहले ही बता रहा हूँ वीडियो के पहले कि ये लेना वर्थ है, क्योंकि इसके दो जो फंक्शंस है मुझे काफ़ी पसंद आया। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी। प्लास्टिक थोड़े लो इन्होंने यूज़ किए हैं, मगर साउंड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और फंक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और बाकी अच्छा नेक बैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है। बुरी बात इस पे ये है कि यहाँ पे MRP कहीं नहीं दी गई है, सिर्फ फंक्शन दिए गए हैं। तो जो ऑनलाइन आपको कोड होगा वही प्राइस आपको देना पड़ेगा। ये करीबन 1700 या 1600 रुपये तक आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो पीछे में HD स्टीरियो साउंड साउंड आपको मिल जाएगा। प्ले 10 आवर्स के प्ले टाइम यहाँ पे बताया जा रहा है 70% वॉल्यूम के साथ। डिज़ाइन अच्छी है, नॉइज़ कैंसलेशन है, सुपर सॉलिड बेस है और स्वेट प्रूफ है, IPX4 है। कन्वीनियंट यानी मैग्नेटिक इन्होंने लॉक दिए गए हैं और वायरलेस 5.0 वर्जन है। 1 ईयर की वारंटी है और यहाँ पे कॉलर्स यानी सपोर्ट के लिए भी नंबर दिया गया है। तो लेना वर्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस प्राइस रेंज में आपको क्यों पुराएगा ये मैं आपको बताऊंगा। इसका सबसे अच्छा फंक्शन जो है, तो इस तरीके से आपको देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक चार्जिंग केबल और हमेशा की तरह ईयर टिप्स दिए गए हैं एक्स्ट्रा के। कॉलर के लिए फंक्शन दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे अच्छा मुझे जो डिज़ाइन लगा, अगर आप इसको नेक में पहने भी है और कान में ये हेडफोन इस साइड का नहीं डाला है, फिर भी ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे सेट कर दिया है। अब सेट करेंगे तो कॉल कैसे आएंगे, इसके लिए इन्होंने फंक्शन बहुत अच्छा दिया है। जैसे कॉल आएगा तो ये नेक बैंड वाइब्रेट होना चालू कर देता है। शायद ये पहला है या कोई और भी होगा, मगर ये मुझे अभी तक मैंने बहुत सारे हेडफोन का रिव्यू दिया है, ये हेडफोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि ये पहने भी नहीं हो अब हम कान में तो वाइब्रेट करना चालू कर देता है और बताता है कि कॉल आ रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी ये नॉर्मल जो हेडफोन है उसी तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे प्लस माइनस स्विच अलग से दी गई है, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ के लिए ये बटन दी गई है और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लास्टिक थोड़े चीप लगे हैं, मगर 1600 या 1700 तक आपको ये मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि जो मैंने आपको फंक्शन बताया ये काफ़ी पसंद है मुझे, और साउंड क्वालिटी भी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है इतना अच्छा फंक्शन देने के बाद भी। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसका साउंड टेस्ट कैसे रहने वाला है। अब आखिरी तक देखते रहिए, और इसके सुनने के लिए अब हमेशा हेडफोन पहनिए, क्योंकि ये एक रिकॉर्डिंग है, इससे ओरिजिनल अच्छा साउंड है। और यहाँ पे हम पावर ऑन ऑफ लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो वर्क करेगा, ऑन ऑन हो जाएगा, और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पेयरिंग में चला जाएगा। देखिए इस तरह के ब्लिंकिंग, और इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो गूगल असिस्टेंट भी प्ले हो जाएगा। इसमें ये फंक्शन दिया गया है। नॉइज़ का मैंने पहले भी आपको एक बार वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसमें गूगल असिस्टेंट नहीं दिया है। जो ट्यून चार जिसका मॉडल है नेक बैंड का, मैं इसका कंपैरिजन भी वीडियो आपको देने वाला हूँ, एक इन्फिनिटी और नॉइज़ और मीवी का, तीनों एक साथ एक रिव्यू रहेगा, तो आप देखते रहिए, वो भी वीडियो आप देखना मेरा। तो जल्दी से हम एक काम करते हैं कि इसको कनेक्ट कर देते हैं अपने मोबाइल के साथ और सॉन्ग सुनना चालू कर देते हैं, और एक ये भी सुनते हैं ट्रेलर, जिससे आपको इसका वोकल क्वालिटी का अंदाज़ा आ जाएगा। तो ये अब कनेक्ट हो चुका है, तो हम जल्दी से साउंड सुन लेते हैं। मैं अपना लेपल माइक वहाँ पे लेके जा रहा हूँ, फिर भी ये एक रिकॉर्डिंग है, याद रखना हमेशा। इसको हम प्ले पॉज कर सकते हैं पावर ऑन ऑफ बटन के साथ।
तो इस तरीके के साउंड टेस्ट था, काफ़ी मुझे पसंद आया। बेस लवर के लिए भी ये हेडफोन है, कॉल जो हमेशा रिसीव करते रहते हैं दिन में उनके लिए भी है, और ट्रिपल भी बैलेंस है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप पूछिए, मैं उसके आंसर दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।